हेलो, वेलकम टू जेसीएस सुपर किचन। आज मैं आपको मेथी का साग बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी साग है और ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में और बाकी बहुत सारे डिजीज़ में बहुत ही हेल्पफुल है। ठंडियों में बहुत ज़्यादा मेथी आती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मेथी का साग बनाने के लिए हमने यहाँ मेथी ली है, आधा केजी मेथी है। इसके साथ साथ मैंने लहसुन लिया है और हरी मिर्ची कट करके, आलू 2 से 3, नमक, वेजिटेबल ऑयल और हींग। आइए इसे बनाने चलते हैं। हम अपना इंडक्शन ऑन करते हैं। हमने इंडक्शन को फुल फ्लेम पे कर दिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ नॉर्मल रिफाइंड सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल लिया है। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा और टेस्टी बनता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें हींग डालेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ लहसुन और हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी है वो भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो गया और हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, आलू और मेथी को, और इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। आलू और मेथी को हम मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे। आप इसे 5 मिनट के लिए पहले ढक दें और फिर चेक करें। अब हम 5 मिनट हो गए हैं, अब हम साग को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि साग गल गया है और रिड्यूस भी हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लें। बस अब हम इसे 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। ये ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लेता है बनने के लिए। दस मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। देख सकते हैं कि हमारा मेथी बिल्कुल गल गया है और आलू भी हो गया है। आप चेक कर लीजिए, ये देखिए आलू भी बिल्कुल हो गया है। अब बस हम इसे फुल फ्लेम पे भून लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें फिर इसे पानी को रिड्यूस करना है, तो इसलिए हमने फुल फ्लेम यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि साग बहुत पानी भी छोड़ता है। आप देख सकते हैं हमने अपना इंडक्शन भी फुल वोल्टेज पे कर दिया है, 2000 वॉट। बस इसे 1 से 2 मिनट में ये पानी सूख जाएगा और हमारा साग रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेथी आलू बिल्कुल रेडी हो गया है और बस हमने इसे 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप मेथी आलू को दाल चावल के साथ
या फिर रोटी के साथ एंजॉय करें और मुझे बताएं ये कैसा बना है. डू ट्राई इट वंस.